गुड इवनिंग फिर से पहुंच गए हैं आप सभी लोग ऐप पर फ्री लाइव सेशन ऐप के ऊपर इसको बाद में यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे मिक्सचर्स एंड एलिगेशन संबंधी प्रश्न हम कर रहे थे प्रॉब्लम्स ऑन मिक्सचर एंड एलिगेशंस जहाज वाले सवाल होते हैं हम लोगों ने पहली क्लास में चौदह सवाल कर लिए थे पहला सवाल रिवाइज करके वहां पर पहुंचता हूं मैं सीधा फिर एक तरफ लिखेंगे कम और दूसरी तरफ लिखेंगे ज्यादा और बीच में लिखेंगे बीच का बड़े में से छोटा घटाके उसी की सीध में लिखना है बड़े में से छोटा घटाके उसी की सीध में लिखना है उनका अनुपात बना देंगे सो रेशियो इज थ्री रेशियो टू पहले डेढ़ सो लिखा था पहले तीन होना चाहिए ए इज राइट आंसर ये सवाल मैंने करवाए थे तुम्हें पहले चौदह सवाल मैंने तुम्हें करवा दिए थे चलिए बहुत बढ़िया मैं अब आगे पढ़ाना शुरू करता हूं तुम लोगों को अब मैं डायरेक्ट पहुंचता हूं क्वेश्चन नंबर पंद्रह पर फोर्टींथ क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए थे वो तुम लोगों को आ गए होंगे पंद्रवा सवाल एक बार पढ़ें सभी लोग शाबाश सभी लोग एक बार पढ़ें सोनी का प्रीति क्लास रुक रही है मेरी क्लास तो कंटिन्यू चल रही है मैंने भी यहां पर चला रखी है क्लास नहीं चल रही बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं चल रही क्लास एक बार रिपोर्ट करें सभी चल रही कि नहीं चल रही है क्लास नहीं चल रही है क्लास नहीं चल रही कई लोगों ने लिख रखा है बाकी लोगों ने बहुत सारों ने जो है सही लिख रखा है आईसीएस शाबाद कोमल तवर नवीन चिकारा गुड इवनिंग सर आई सी एस जिंदाबाद सतीश फोगाट मोनिका चौधरी चौधरी सर जी मिलन कंबोज क्लास नहीं चल रही है रजनी बजाज क्लास नहीं चल रही है एक बार देख लीजिए चल रही कि नहीं चल रही है? मुझे बताइए समस्तीपुर अनूपगढ़ होगा रिकॉर्डेड में डाल देंगे भाई इसको अगर नहीं चल रही है तो यूट्यूब पर इसको डाल देंगे हम एक बर्तन में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है इस बर्तन में 80 प्रतिशत दूध तथा 40 प्रतिशत पानी निकाल लेने पर बर्तन में बर्तन खाली हो जाता है चालीस लीटर मिश्रण है मिक्सचर है, उसमें कुछ दूध है और कुछ पानी है अभी पता नहीं दूध कितना पानी कितना है ये कहता है जितना भी दूध है उसका अगर हम अस्सी परसेंट निकाल लें और जितना पानी है उसका चालीस परसेंट निकाल लें तो ना अस्सी खाली होता ना चालीस खाली होता पैंसठ परसेंट खाली होता है सवाल समझ में आया होगा तुम्हें पहली बात समझिए कि अगर टोटल दूध होता टोटल कंप्लीटली फिल्ड विद मिल्क टोटल दूध भरा है 80 परसेंट दूध निकाल लिया तो 80 परसेंट खाली 40 परसेंट दूध पानी निकाल लिया अगर टोटली पानी से भरा है और 40 परसेंट पानी निकाल रहे हैं तो 40 खाली होना चाहिए था अगर टोटल पानी होता तो चालीस खाली होता टोटल दूध होता तो अस्सी खाली होता लेकिन ना अस्सी खाली हुआ ना चालीस खाली हुआ पैंसठ खाली हुआ एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम बीच में बीच का जहाज उड़ाएंगे बड़े में से छोटा अस्सी में से पैंसठ घटाएंगे पंद्रह तुम प्रतिशत अगर बाई चांस लगाओगे पैंसठ में से चालीस घटाएंगे तो पच्चीस परसेंट तो अब यहां रेशियो चाहिए तो परसेंट से परसेंट काटना पड़ेगा अब पांच से पांच काटना पड़ेगा तो ये हो गया पांच अनुपात तीन अनुपातिक योग आठ इस चालीस लीटर को आठ अनुपात में आठ से भाग करेंगे पांच पांच पच्चीस दूध है और पांच ती ये ये पानी है अस्सी लीटर तो हम पांच अनुपात तीन के अनुपात में बांटते और तब उत्तर आ जाता पचास और तीस पचास लीटर दूध तीस लीटर पानी बाईचांस यहां पर यह बेहतर होता आठ से भाग करते नौ आता नौ पंजे पैंतालीस लेते और नौ तीय सत्ताईस लेते उम्मीद करता हूं यह बात तुम्हें तो समझ में आ गई होगी तो इस अनुपात में इस हिसाब से हम सवाल करेंगे अगले सवाल में इसी प्रकार की बातें हैं अगर समझ में ना आया हो तो तुरंत से लिखना इसके ऊपर कि समझ में नहीं आया तुरंत से देख करके रिस्पॉन्ड किया जाएगा क्लास नहीं चल रही सुनील चौहान तो जिनकी क्लास नहीं चल रही है वो अपडेट कर लो अपने उसको ऐप को अपडेट करना पड़ेगा चलिए पंद्रवा सोलवें सवाल पर बात पहुंच गई है सोलवा सवाल कुल मिलाकर के यहां इसने मिश्रण बताया जी 100 लीटर मिश्रण है 100 लीटर मिश्रण है 100 लीटर मिश्रण में से 75 परसेंट दूध निकालता है ये और 25 परसेंट पानी निकालता है ऐसा होने के बाद बर्तन होता है साठ परसेंट खाली उम्मीद करता हूं तुम्हें सवाल आ गया होगा परसेंट हर जगह बेशक लिखना छोड़ दो यहां से यहां घटाओगे पंद्रह परसेंट लिख लो चाहे पंद्रह लिख लो यहां इस से इसमें से घटाओगे तो पैंतीस तो ये हो गया सात अनुपात पांच तीन पांच से कट रहा है तो ये सत्तर लीटर और 30 लीटर 70 लीटर दूध 30 लीटर पानी डी इज राइट आंसर समझ में आ गया है तो एक बार थम्सअप लगा के दिखा दो जल्दी से जिनकी क्लास नहीं चल रही है यूट्यूब पर बाद में डाल देंगे अपडेट कर लिया फिर भी नहीं चल रहा है नितेश जांगड़ा नितेश जांगड़ा तुम अपनी ब्रांच में कॉल करके और एक बार जो है जो टोल फ्री नंबर है वहां पर बात करके अपने इशू को सुझाओ बफरिंग कितने लोगों की चल रही है दो चार लोग ऐसे लिख रहे हैं कि भाई नहीं चल रही है तो यह बताना कितने लोग कह रहे हैं कि जो चल रही है चलने वाले लोग कितने हैं ताकि हम इसके ऊपर भी डिसीजन ले चलिए तब तक मैं सवाल करवाता हूं तुम्हें पचास हजार रुपए दो हिस्सों में उधार दिए जाते हैं एक हिस्से से छह परसेंट दूसरे से नौ परसेंट एक आदमी के पास पचास हजार रुपए है सारे के सारे अगर एक जगह ब्याज पर दे दे तो सबसे गंदा काम ब्याज पर देना होता है रुपए ब्याज पर रुपए दिए और मरे ईमान के चलो मैंने तो आज तक ऐसा कोई सुना नहीं कि ब्याज पर रुपए देने वाला आदमी कोई रिच बन गया अमीर बन गया या और कुछ हो गया उसके पैसे मरने ही मरने हैं क्योंकि पैसे उधार वो लेता है जिसके पास होते ही नहीं है एक हिस्से से छह परसेंट ब्याज आता दो हिस्से करता है कि कम से कम एक जगह तो आएंगे दूसरे से आता नौ परसेंट छ परसेंट नौ परसेंट Osionfish. यदि उसे कुल मिलाकर के बयालीस सौ रुपए मिले बयालीस सौ है इस सवाल में दिक्कत है बयालीस सौ रुपए तो या तो हम इसका छह परसेंट निकाल ले मान लिया टोटल पचास हजार रुपए है टोटल पचास हजार रुपए छह परसेंट पर ब्याज पर दिए तो पचास हजार का छह परसेंट कितना हो जाएगा तीन हजार रुपये और इसका नौ परसेंट कितना हो जाएगा पैंतालीस सौ रुपए इस नौ परसेंट को रुपए में बदलेंगे छह परसेंट को रुपए में बदल देंगे को परसेंट में बदलेंगे तो आठ पॉइंट में लेना मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए तीन हजार बयालीस घटाएंगे तो यह आया बारह सो और इसको घटाएंगे तो यह आ गया तीन सो तो यह अनुपात आ गया एक अनुपात चार अनुपातिक योग पांच पांच से भाग करेंगे दस हजार इससे गुणा करेंगे तो यह हो गया दस हजार और चालीस हजार जो पहले वाला हिस्सा है इस पर है दस हजार जो दूसरे वाला हिस्सा है इस पर है चालीस हजार इसने छसेंट वाला हिस्सा पूछा है तो छह परसेंट वाला हिस्सा दस हजार सी इज राइट आंसर उम्मीद करता हूं सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा एक्स के तरीके से मैंने पिछली क्लास में कुछ सवाल करवाए थे उन सवालों को तुम करके देख लेना एक बार क्या मैसेज आया बच्चों का चल रही नहीं चल रही है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे है हैं जिनकी नहीं चल रही है चलो भाई कुछ स्टूडेंट्स को जो है छोड़ करके बाकी लोगों की तो चल रही है एक हजार बीस लाइव चल रहे, चल रहे तो चलिए बहुत बढ़िया जिनको समझ में आ रहा है वो हाना देते रहेना भाई कि हाँ जी आ गया समझ में जिनको नहीं आ गया समझ में ऐसे करना ध्यान से देखना सवाल पांच हजार रुपए बताए गए कितने रुपए हैं पांच हजार रुपए पांच हजार रुपए दो हिस्सों में तोड़े गए एक हिस्से को दिया आठ परसेंट ब्याज बात को समझो पांच हजार रुपए है ब्याज पर देने के लिए बैठा एक जना आया भाई दो हजार रुपए दे दे दूसरा आया तीन हजार रुपये दे दे एक को किसी ब्याज पर दे दिया कुछ पांच हजार रुपये दो हिस्सों में बांटे एक हिस्से पर आठ परसेंट ब्याज और दूसरे हिस्से पर दस परसेंट ब्याज कुल मिलाकर के चार सौ चालीस रुपए मिल गए अब यहां सवाल में जो दिक्कत है ना जब भी सवाल हम देते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता अगर यहां पर ये यह, या तो यहां भी रुपए यहां भी रुपए और यहां भी रुपए सही होता फिर फिर आसान काम होता यह यहां भी, परसेंट, यहां भी, परसेंट, यहां भी परसेंट तब भी सही होता अब वैसा किया नहीं आठ पॉइंट आठ कर सकते हैं परसेंट में, लेकिन अच्छा एहसास नहीं देगा दशमलव का मामला बन गया तो इस पांच हजार का एक परसेंट निकालने के लिए दो जीरो काटते हैं पचास हो गया पचास का आठ से गुणा करेंगे तो चार हो गया और यह हो गया पांच सौ ये रेशो जो है परसेंटेज में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बदलना सिखा रखा नहीं आया तो परसेंटेज की शुरुआती दो तीन वीडियो देख लो फिर से आ जाएगा तुम्हें अब ये ये हो हो गया गया साठ तो ये हो गया, ये हो गया।, तो हो गया तीन अनुपात दो तीन अनुपात दो में पांच हजार को बांटेंगे तो तीन हजार और दो हजार रुपए हो गए जो पहले वाला हिस्सा है आठ परसेंट तो आठ परसेंट पर दिए तीन हजार और जो दस परसेंट है उस पर दिए दो हजार तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा हो ट्राई ऑप्शन में मार के दिखा देता हूं तुम्हें अच्छा एहसास जरूर होगा तीन हजार रुपए आठ परसेंट की दर पर तीन हजार रुपए का एक परसेंट तीस और आठ परसेंट दो सौ चालीस दो हजार रुपए दस परसेंट पर दस परसेंट के लिए एक जीरो कटेगी बस दो सौ रुपए ये टोटल मिलाकर के चार सौ रुपए उसको ब्याज के एक साल में मिले कई बार ये दो साल या तीन साल भी दे देता है तो अगर दो साल या आठ सौ रुपए लिख देता तो या तो हम यहां पर भी दो साल 800 करते दो साल एक हजार करते या आठ सौ को दो से भाग करके एक साल का निकाल देते इस प्रकार से सवाल होता है चलिए बहुत ही बढ़िया <coughs> कल मैंने तुम्हें जो कहा था वो कहा था ऐप के ऊपर क्लास चल रही थी उसमें मैंने कहा था कि परसेंटेज के सवालों पर मैं जो वो लेने वाला हूं टेस्ट लेने वाला हूं ऐप पर जो टेस्ट होते हैं तो मैं जो बाद में सोच रहा था कि ज्यादा बेटर क्या है कि मैंने तुम्हें एंड प्रपोर्शन करवाया एज इज करवाया उसके बाद पार्टनरशिप करवाया और फिर जो है अब चल रहा है मिश्रण अब ये पूरा आज या कल हो जाएगा आज तो नहीं होगा खैर कल हो जाएगा अब जब ये पूरा हो जाएगा तो इसकी प्रॉब्लम लेनी है अब किरण की किताब में से जो या बाकी जो भी जो भी कहीं से तुम किसी भी किताब में से पढ़ो जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हो वो प्रॉब्लम तो पूरे देश के बच्चों की जो प्रॉब्लम्स टोटल हो जाएंगी वो प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें करवाऊंगा जैसा कि मैंने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में करवाया था तो अब इस सेक्शन की प्रॉब्लम्स चलेंगी इन चार चैप्टर्स की चार चैप्टर्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन दूसरे नंबर पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद एजिस उसके बाद पार्टनरशिप और उसके बाद ये मिश्रण ये चारों का एक जैसा कॉम्बिनेशन हो गया किसी किताब से कहीं से कोई प्रॉब्लम तुम्हारे पास हो यूट्यूब के ऊपर करवाने वाला हूं ऐप पर करवाऊंगा तो फ्री सेशन में करवाऊंगा ऐप पर जो पेड वाला पोर्शन होगा उसके अंदर उसके ऊपर पेपर होगा जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हें कितना आया उनके अंदर जब रकम बदल करके आते हैं फिर जो सवाल में जो गड़बड़ होती है जो पेपर में जाकर के तुम गलत करते हो तो ऐप के ऊपर वो तुम्हारा काम बनेगा उसका समाधान भी करवाया जाएगा तो ये सेक्शन अब चार इन चैप्टर्स को हम पहले करेंगे तो मैं तुम्हें जो कह रहा हूं रेश एंड प्रोपोर्शन की पहली जो चार वीडियोज है उन पहली चार वीडियोज में से टेस्ट तुम्हें कल या परसों मिल सकता है तो चार वीडियो पहली अपनी देख के रखो वो टेस्ट करने के बाद मैं फिर से बताऊंगा तुम्हें कि नेक्स्ट चार वीडियोस पांच छह सात आठ उसमें से फिर वो जो है तुम जो है देख करके वो करें मिलना और तब तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके साथ वो तब तक उस काम को सही से कर लेंगे चलिए जब तुम अपने आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारा काम सही बनता जाएगा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसका सिस्टम बन जाए रेगुलर का तो उससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती है बहुत लंबे सोच विचार के बाद यह बनाया है और यह इतना रिजल्ट देगा जितना आईसीएस कोचिंग सेंटर ने नौकरियों का रिजल्ट दिया उतना ही रिजल्ट यह भी देगा इससे ज्यादा बेटर काम करेगा चौदह सो लाइव यहां पर पहुंच गए चलिए बहुत बढ़िया चौदह सो लाइव में से जो है जैसे गड़बड़ कितने लोगों की चल रही है ये वोडाफोन के नेट में गड़बड़ चल रही है भाई आइडिया प्लस वोडाफोन का जो गड़बड़ है ना तो यहां गड़बड़ है बस बाकी नहीं है 540 किलोग्राम चीनी है इसके दो टुकड़े किए। सारी इकट्ठी पांच किलो बिक जाए तो सारा काम सही होता जैसे रेडी पर बेचने जाते हैं कहीं और बेचने जाते हैं अब कचरे लेकर के लोग बेचने जाते हैं तो जो है कहीं से कोई आदमी ले लेता वहां से तो ऐसे उसने दो भाग बनाए उसके एक बाघ भी कहासेंट लाभ पर और दूसरा भाग बिका उसका 18 परसेंट लाभ पर कुल मिलाकर के 14 परसेंट लाभ पर। एक थोड़ी सी हंसी की कहानी सुनाता हूं तुम्हें एक दिन <coughs> मैं और मैडम यहां से घर से निकले और घर से निकल करके जा रहे थे गीता भवन जो है चौक यहां पर है काफी रश रहता है तो काफी रश था और हम लोग गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में बैठे अपना जो चल रहे तो हम भी आगे धीरे धीरे बढ़ रहे और एक महिला थी न्यूली मैरिड सी लग रही थी बढ़िया जो उसने टिक्का टुनमुन ये वो सारे काम बढ़िया कर रखे थे सही सजी सिंगरी चल रही वो भी अपना टका टका धीरे 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 गाड़ी भी जो अपना रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी वो भी आगे बढ़ रही थी हम भी तो तो उनको जो है जैसे नजर पड़ी तो जैसे। उसने जा करके एक जो है उसने जाकर के रेडी वाले से पूछा हाँ भाई जामुन कैसे दिए और एक रेडी उठा एक जो है जामुन उठा के खाली कई रेडियां लगी हुई थी अगले पर फिर गई जामुन कैसे दिए एक उठा के फिर खा लिया अगले पर फिर पूछा एक और खा लिया फिर अगले पर पूछा फिर एक और खा लिया पहिया जामुन उसने खाने होंगे पहिया पूरे कर लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है तो अब क्या करें एक आधा रोड पर चलते 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 जो है संतरा एक ठाया लेकिन चल दिया रेडी वाले ने देख लिया तो उसके पीछे वो आगा आ गया रेडी वाला पीछे वो जो है बच्चे के पीछे पीछे तो ये काम भी कुछ लोग कर देते हैं अब है ही नहीं तो क्या करें मजबूरी है कल परसों एक वीडियो आया हुआ था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कि वहां पर जो है वो जो क्या बोलते हैं उसको वेंडिंग मशीन आती है इलेक्ट्रॉनिक आजकल पैसे डालो और जो सामान निकल आता है तो उसको तोड़ करके मजदूरों ने भूखे मर रहे होंगे जो निकाल के खा लिया खा भी लेना चाहिए दिक्कत क्या <coughs> दूसरी घटना दूसरी बात बताता हूं अब हम जैसे जाकर के कहीं से लेते हैं तो अब दिमाग में कभी ऐप चल रहा है कभी क्लास चल रही है कभी पढ़ाई चल रही है कभी वहां पहुंचना कभी लेट हो रहे हैं कभी कुछ हो रहा कभी और तो दिमाग जब हम चलते हैं तो उस टाइम पर जैसे मैंने दोनों चीजें देख रखी है जिंदगी की वो शुरुआती बात कि केले जो है जैसे वहां दस रुपए दर्जन है और वहां आठ रुपए दर्जन है दो रुपए बचाने के लिए तो साइकिल पर वहां से तीन किलोमीटर दूर जा करके वहां से लेके आ सकते हैं क्योंकि ना टाइम और फिर जो बड़े खुश होंगे कि दो रुपए बचा लिए अब दूसरा अब ये होता कि जो है अब तो एक दिन मैं अपनी माँ मेरी माँ थी और बबीता थी मैडम और बच्चे भी होंगे गाड़ी में हम लोग जा रहे थे तो गाड़ी एक जो है उस रेडी वाले के पास लगाई लगा करके कहा कि आम बढ़िया से लिया दो किलो अब वो आम दो किलो ले आया वो पता नहीं साठ सत्तर अस्सी मुझे ध्यान नहीं है एग्जेक्टली तो उस रेट में उसने जो है मेरी माँ का जो है उस टाइम पर जैसे हम लोग जो है बेसिकली नेचर तो वही होता है कि ज्यादा बढ़िया क्या होता कि हम वहां जाते उतरते देखते क्या रेट है क्या नहीं है ये वो चार बात मारते उससे पूछते उससे पूछते तो एक घंटा लगाते अब वो आम उसने दस रुपए महंगे जरूर दिए होंगे सत्तर रुपए का रेट होगा तो अस्सी दे दिए होंगे अस्सी का रेट होगा तो नब्बे दे दिए होंगे अब सत्तर से अस्सी का अगर दिया होगा ना तो छाट के बढ़िया बढ़िया भी लाया होगा कि अगले दिन फिर से ऐसे ही ग्राहक आ जाए ऐसे ग्राहक आ जाए तो और क्या चाहिए जो रेट ना पूछे और जो रेट पूछ करके फिर ना गए ना भाई सत्तर देना दे 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 ना, दे ना दे। और चल कोई बात ना तू आ ले ले। तो ऐसे, अब सीधा मैंने गाड़ी रोकी मैंने उसको कहा दो किलो आम लिया अब उसने वो आम लाया कितने रुपए तो लिए पैसे पकड़े और मैंने गाड़ी चला दी अब गाड़ी चलाते मेरी माँ ने जो है मेरे को बोला थर तक क्यों ना देंगे महंगे तो मैंने अपनी मां को कहा माँ हमें क्यों ना दे महंगे हम महंगे ले सकते हैं तो क्यों ना दें अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महंगे नहीं खरीद सकते हैं एक रेडी वाला आता है उसका टारगेट होता है पाँच हजार रुपये लाया अगर पाँच हजार रुपये लगा करके आया तो कम से कम पाँच सौ रुपये तो प्रॉफिट होना चाहिए और उस प्रॉफिट को कुछ दो चार मेरे जैसे पूरे करवा दे तो बाकी लोगों को अगर मार्जिन रेट पर भी दे दे तो उनका भी काम चल गया उसका भी चल गया और हमारा भी चल गया और मैं इसे दस रुपए के ऊपर यहां पर दस मिनट तक झांगड़ मारता ही है अपने दिमाग की सारी जो प्लानिंग हटा करके और उस पर लगा देता कि मैंने केले लेने हैं मैं सेंटर से जैसे ही चलता तो पहले ही मैं सोचता यहां से ही चलता कि मैंने केले लेने हैं के लेने हैं तो अपने उस दिमाग की उस पावर को कहां लगाया जाना चाहिए तुम्हारी कंडीशन और मेरी कंडीशन में आज ये डिफरेंस आ गया है आ जाना चाहिए कितने पैसे कमाने चाहिए जब तक चीजें सस्ती ना लगे कितना पढ़ना चाहिए जब तक पेपर आसान ना लगे जिंदगी की वसूली चाहिए भैया तीस साल की उम्र तक हर हालत में जिंदगी रोजगार के साथ सेट हो जानी चाहिए और पैंतीस साल की उम्र तक उसको पटरी पर लगा दो और पैंतालीस तक इतने रुपए कमा लो कि आगे बैठ के खाना पड़े तो दिक्कत नहीं है जब ये लिखते ना फेसबुक के ऊपर कि ये 90 साल का बूढ़ा भीख मांगने के बजाय मेहनत करके खा रहा है तो इसको कितने लाइक तो मैं उसको जीरो लाइक देता हूं हर एक आदमी को पता कि हमें 80 साल का नब्बे साल का होना है हमें अपने सपने पूरे करने अपने घर वालों के सपने पूरे करने बाकियों के सपने पूरे करने हैं और मेहनत वो चीज है जो आपके सपने अधूरे नहीं रहने देगी बहुत सारे लोग बोला हमारे पास पांच हजार रुपए नहीं पांच हजार रुपये मेहनत करके दिहाड़ी करके कुछ भी करके लाए जा सकते हैं ग्रेजुएशन के दौरान पेपर के बीच में पेपरों के बीच में कई बार मैंने अठारह 18, 1800 अठारह सौ रुपए की जॉब कर रखी है मैंने कभी बताया नहीं खेती के काम करते हुए हम जो पांच सौ सात सौ रुपए तुरंत कमा लेते थे दिक्कत क्या थी और जब हम इस लायक हुए तो हम जो है फटाक दे सी ट्यूशन पढ़ा देते थे एक घटना सुनाता हूं तुम्हें टेलीफोन पहले होते नहीं थे मैं दसवीं क्लास में था जब मैंने फोन थोड़ा सा मामला बना और हमारे गांव में टेलीफोन लगने लग गए तो फॉर्म भरने के ऊपर कहानी थी कि फॉर्म भर लो बात यह थी कि अगर सौ फॉर्म भर दिए जाते हैं तो गांव में एक्सचेंज लग जाएगा अगर सौ फॉर्म भरे जाए तो तो सौ फॉर्म भरे जाएंगे तो सब लोगों से आपस में बात कर रहे थे मुझे भी पकड़ के बोला परिमल तू भी भर ले यार एक। मैंने मैं भर लेता हूं मैं घर गया जाकर के कहा कि सौ रुपए पता नहीं सिक्योरिटी थी पंद्रह सौ रुपए थी मुझे एग्जेक्टली exactly याद नहीं है मैंने उतने कमा के लाएगा, अगर हम फॉर्म के ना देंगे फोन के ना देंगे तो भी तो वे हमारे घर में ही रहेंगे मैंने कहा उन पंद्रह सो को भी घर पे रख लेना मैं तीन हजार के लाऊंगा तीन हजार रुपये में दे दूंगा पंद्रह सौ रुपए फोन कर पंद्रह सौ रुपए तुम्हारे घर के नाम के तो तो मेरे मेरे पापा ने कहा पिताजी तो ही थे बोला ना जाएंगे हमारे मैंने कहा मैं पांच कमा लाऊंगा और साढ़े तीन रख लेना पर डेढ़ दे दो बोला फिर हर महीने बिल आओगा मैं जितना बिल आएगा उसका तीन गुना घर में जरूर दूंगा हर हालत में पर फोन चाहिए फोन के कारण कई अपॉर्चुनिटी मिस हुई मेरी बहुत बढ़िया कई अपॉर्चुनिटी मिस हुई और तब सारा नहीं था कुछ भी मोबाइल नहीं थे इतने सस्ते नहीं थे कि हम बियर कर पाए ये जो प्रॉब्लम्स तुम लोग फेस करते हो ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस कर रखी है और मुझे हंसी आती है इस बात के ऊपर कि हम पाँच हज़ार रुपये चार हज़ार रुपये दस हज़ार रुपये बारहवीं क्लास अगर पास है नहीं कमा सकते हमारे आस पड़ोस के बच्चे कितने हैं जिनको नहीं आता ये एलिगेशन कितने बच्चे जिनको परसेंटेज नहीं आता कितने बच्चे जिनको लीनियर इक्वेशन नहीं आता यूट्यूब पर पढ़ के और उसको पढ़ा दो फ्री पढ़ा रखा मैंने तुम्हें अगर तुम निठल्ले हो कामचोर हो आलसी हो मैं कुछ नहीं कर सकता और अगर तुम्हारे सपनों में दम है तो मेहनत करना सीखो अपने पड़ोस के चार बच्चों के पास जाके उनको अप्रोच करोगे मैं पढ़ाता हूं तुम्हें चार दिन पढ़ के देख लो दस दिन पढ़ के देख लो अच्छा लगे तो पढ़ लेना आगे नहीं तो नहीं और अगर तुम उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकते तो फिर क्या फायदा हम भी तो देते हैं ट्रायल क्लास दिक्कत क्या है तुम भी दो तुम्हें किसी ने मना किया तुम पैसे मत कमाओ ईमानदारी से पैसे कमाए जा सकते हैं मेहनत से पैसे कमाए जा सकते हैं और किसी भी कंडीशन में कमाई जा सकते हैं लाइकियत होनी चाहिए दिमाग खुला होना चाहिए एक आइडिया बदल दे आपकी जिंदगी इस लाइन को हमेशा याद रखा करो हमेशा अभी अपॉर्चुनिटी हम और देने वाले हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी देने वाले हैं चलिए मैं इस पर वापस से आ रहा हूं मैं बहुत सारी बातें इधर उधर पता नहीं मैंने कहां से चालू किया था मैं कहां पहुंच गया हूं लेकिन मैंने बहुत सारी बातें तुम्हें जरूर कही है अपनी जिंदगी से रिलेटेड बात कही है मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहा से ये बात जो है डाइवर्ट की थी कोई बात नहीं फिर याद आएगी कभी फिर भी मैंने अपने घर परिवार से रिलेटेड कई बातें हाँ मैंने बताया था तुम्हें और रेट सस्ता और महंगा बेचने वाली बात थी अब मैं कर, बताया था कि मैं और मैडम जा रहे थे तो ये जो जामुन खा रही थी महिला तो ये बात मैंने बताई थी वो कंसेप्ट में तुम्हें बता चुका हूं कि कुछ सस्ता कुछ महंगा इस प्रकार से चीजें बिक सकती है और कुछ लोगों को लगता है कि जो है बार्गेनिंग करके रेट सस्ता महंगा ये वो तो अभी इतना लिखने के बाद अब यहां पर मैं पांच लिखूंगा और यहां पर मैं चार लिखूंगा तो किसी को क्या आपत्ति है अनुपाति को नौ हो गया नौ से भाग करेंगे साठ हो गया साठ को चार से गुणा करेंगे तो दो सौ चालीस हो गया तो नौ परसेंट लाभ पर दो सौ चालीस किलो और साठ पंजे तीन किलो जो है अठारह परसेंट लाभ पर पूछा कौन सा है अठारह परसेंट लाभ वाला तीन सौ सही उत्तर है ए उम्मीद करता हूं सवाल सही से समझ में आ गया होगा सभी को आ रहा जी समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बीसवा सवाल बिल्कुल वैसे का वैसा एक हजार किलोग्राम है एक हिस्सा आठ परसेंट दूसरा अठारह परसेंट और बीच में आ गया चौदह परसेंट ये यहां आएगा छह और ये आएगा चार दो अनुपात तीन अनुपातिक योग पांच पांच से भाग करेंगे दो सौ दो सौ से दो से गुणा करेंगे तो ये हो गया चार सौ और तीन से 600 अब पूछा है अठारह परसेंट वाला अठारह वाला ये 600 है 600 किलो डी इज राइट आंसर उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम सबको आ गया होगा चलिए भैया बहुत ही बढ़िया इक्कीसवां सवाल बहुत अच्छा सवाल है बहुत बढ़िया लेवल पर तुम लोग सीख भी रहे हो पढ़ भी रहे हो सोलह 16, एक सौ साठ रुपए हैं जी एक सौ साठ रुपए हैं चालीस बच्चे हैं अगर सबको बराबर दिए जाते तो चार रुपए पर चाइल्ड आते चार पे हर एक बच्चे को मिलते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ पार्शियलिटी थी धोखा था पांच पॉइंट पचास तीन पॉइंट पचास और ये चार अब यहां से वन पॉइंट फाइव और ये यहां से पॉइंट फाइव तो ये एक अनुपात तीन एक अनुपात तीन के अनुपात में चालीस बच्चों को बांटेंगे चालीस स्टूडेंट थे चालीस स्टूडेंट एक अनुपात तीन सो so, टेन बॉयज एंड थर्टी गर्ल्स सी इज राइट आंसर उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा ये जो रेशियो आएगा ये रेशो ये रेशियो बच्चों का रेशियो आएगा एलिगेशन लग रहा है रुपयों में कि एक स्टूडेंट को कितने रुपए दूसरे स्टूडेंट को कितने रुपए बॉयज को गर्ल्स को अगर सबको बराबर मिलते तो अंतर जाने वाला तो लड़कों की तरफ लड़कों का लड़कियों की तरफ लड़कियों का ये रेशियो आएगा दस और तीस इक्कीस सवाल उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा अगर कोई ऐसा हो जिसको सवाल नहीं आया तो सवाल नंबर लिखना मैं रिपीट करवा दूंगा आज सुबह की क्लास में कह रहे थे कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चन रह गए थे फिर वो बात ना रह जाए पंद्रह सौ के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं पंद्रह सौ बच्चे पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं तो किस में कहा दिक्कत है तीन सौ रुपये में मानू सौ बच्चों में बांटने हैं तो तीन रुपया पर स्टूडेंट हो जाएंगे अब यहां पर 3.60, 2.40 और यहां पर मैं बीच में लिखूंगा तीन अब यहां पर आएगा 0.60, सिक्स पर आएगा 0.60, तो ये हो गया एक अनुपात एक अनुपात एक ये बच्चों का है सौ बच्चे बराबर बराबर तो पचास बॉयज हैं, पचास गर्ल्स हैं। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें आ गया होगा अब अगला सवाल सवाल किसी कक्षा में पैंसठ विद्यार्थी हैं, हैं, अब रुपए आए 49, और नंबर ऑफ ज्यादा है, है मतलब रुपयों तो के पैसे बनाने में गुना सो करना पड़ता है कई बार बच्चों को ये बात नहीं आती है तो एक रुपए में सौ पैसे गुना सो करके जब भिन्न में आ रहा हो रुपए भिन्न में आ रहे हो तो गुणा सो करके पैसे बना दो तो प्रॉब्लम कहां है ऐसा करने के बाद ये तेरह से कटेगा तीन तेरह से कटेगा पांच पांच से कटेगा बीस सिक्सटी पैसा पर स्टूडेंट अगर बराबर बराबर बांटते तो मिलते लेकिन हर एक लड़के को मिला अस्सी एक लड़की को मिला तीस और बीच में लिखे साठ ये बीस और ये तीस तीन अनुपात दो तीन अनुपात दो में पैंसठ बच्चे बांटने हैं योग पांच पांच से भाग करेंगे तेरा तेरह तीय उन्तालीस और तेरह दुनी छब्बीस तो छब्बीस लड़कियां उनतालीस लड़के बी इज राइट आंसर तेईस तक के सवाल में उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा इस सवाल में यहां प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बच्चों को उनतालीस रुपए है पैंसठ बच्चों में बांटेंगे उनतालीस बटा पैंसठ भिन्न में आ रहा है गुणा सो करके पैसे बन जाएंगे क्योंकि ये भी पैसे ही दे रखे थे यहां भी पैसे यहां भी पैसे यहां भी पैसे एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम बीच में बीच का फिर जहाज उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब मेरी तरफ से ये चार चैप्टर्स कंप्लीट हैं इन चार चैप्टर्स को किसी किताब से जहां से तुम्हें अच्छा लगे वहां से करना और उनको भेजते रहना जो लोग कहीं उसे भेजते रहते हैं ना कोई अब जो टाइम डिस्टेंस का भेज, का भेज रहा है कोई अब एच एल सी एम का भेज रहा है कोई अब घातांक करने का भेज रहा तो कोई औचित्य नहीं बनता जो चैप्टर चल रहे हैं उनसे रिलेटेड तुम करते रहना हम लोग शुरुआत से ही लॉकडाउन के शुरुआत से ही लगातार पढ़ा रहे हैं इस दौरान मैंने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तीन चैप्टर उनकी प्रॉब्लम्स भी लूंगा उसके साथ फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊंगा और फिर उसके साथ डीआई करवाऊंगा तो वो एक सेक्शन कंप्लीट होता है और यहां पर एक सेक्शन कंप्लीट हो रहा है चार चैप्टर्स का तो पहले इन चार चैप्टर्स की प्रॉब्लम लूंगा जो भी प्रॉब्लम जहां से भी है चाहे उसमें दस दिन लगे चाहे पांच दिन लगे चाहे ग्यारह दिन लगे चाहे पंद्रह लगे जो प्रॉब्लम कहीं से भी है पूरे देश के स्टूडेंट्स की सारी यूट्यूब पर करवाने वाला हूं जो लोग ये कहते हैं YouTube पर क्लास नहीं चल रही भाई पहले भी हम ऐसे ही कर रहे थे ऐप के बाद भी ऐसे ही कर रहे हैं कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि अब YouTube पर बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे यार YouTube पर बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे हमारा टाइम फालतू है क्या या तुम्हारा टाइम फालतू है फिर कुछ लोग क्या कह रहे हैं बोला ऐप है, आ गया अब तो क्लास में बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे कमाल कर दिया यार और ज्यादा बढ़िया पढ़ाएंगे यूट्यूब पर भी और ज्यादा बढ़िया पढ़ाएंगे ऐप पर भी और ज्यादा बढ़िया पढ़ाएंगे जितनी गुंजाइश है ना उतना बेस्ट देंगे कि जो है और जिस दिन मन में यह आएगा ना कि ऐप चलाने के लिए यूट्यूब पर कम पढ़ाएंगे या यूट्यूब के ऊपर कम अच्छा पढ़ाएंगे उस दिन पढ़ाना छोड़ देंगे भाई साहब कंपलसन थोड़े ही है किसी की जिंदगी बना नहीं सकते ना तो बिगाड़ेंगे बिल्कुल नहीं इतने हमारे माँ बाप ने संस्कार दे रखे और उन्हीं संस्कारों का रिजल्ट है ये कि हम लोगों को मोहताज नहीं होना पड़ता किसी चीज के लिए आप लोगों का जो इतना प्यार प्रेम और ये सब चीजें मिलती हैं तो ये छोटी बात थोड़ी ही है चलिए बहुत ही बढ़िया 180 किलोमीटर की दूरी है 18 घंटे में तय करता है तो एवरेज स्पीड आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये कहता पूरी यात्रा को दो भागों में बांटा एक हिस्सा 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरा हिस्सा 18 किलोमीटर नहीं 17 17 बिल्कुल 17 मैंने गलत लिख दिया 17 किलोमीटर प्रति घंटा और एवरेज में है 10 किलोमीटर प्रति घंटा देखो चाल आ गई है हर जगह पर यहां भी चाल है यहां भी चाल है यहां कम यहां ज्यादा बीच में बीच का जहाज ये सात ये दो अब यहाँ एक डिफरेंस है बाकी सवालों से ये जो अनुपात आता है अनुपात यहां पर बट रहा है डिस्टेंस बोलना पड़ेगा तुम्हें लाइन तुम अपने घर पर जहां पर भी बैठे हो ना यहां पर होता ना तो मैं खूब किलकी मरवाता लेकिन घर पर भी तुम बोल सकते हो कि बट रहा है डिस्टेंस बोलो एक बार जल्दी से बट रहा है डिस्टेंस लेकिन एलिगेशन लग रहा है स्पीड में डिस्टेंस बटता डिस्टेंस का एलिगेशन होता डिस्टेंस का ही रेशो आता स्पीड बट रही होती स्पीड का एलिगेशन होता स्पीड का ही रेशो आता बट रहा है डिस्टेंस याद रखना पड़ेगा सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों में सबसे बेशरम सवाल होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के ना nice इसमें रेशियो सही लगता ना nice इसमें परसेंटेज सही लगता ना nice इसमें एलिगेशन सही लगता सारी चीजें उल्टी हैं जब मैं चैप्टर करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा तुम्हें तो वो सारी बातें सारी बातें सिखाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से कोई टेंशन की बात नहीं है कुछ लोग कहते हैं भला हमारे पास टाइम नहीं है भाई टाइम जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक टाइम ही टाइम है जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक टाइम ही टाइम है कितना पढ़ना चाहिए नौकरी लग गई नौकरी लग के लगता है कि बड़ी नौकरी चाहिए तो फिर और पढ़ना चाहिए नहीं तो वहीं छोड़ दो इस ऐप को लेकर के जो लोग नौकरी पर हैं सर कैसे पढ़े तो ऐसे पढ़ो सारी बातें आती इसके ऊपर क्लास का काम ऐप नहीं कर सकता लेकिन ऐप का काम भी क्लास नहीं कर सकती इस बात को याद रखना चलिए बहुत बढ़िया अनुपात साल का आएगा सात और दो नौ इस साल अठारह घंटे को नौ से भाग करेंगे दो सतह चौदह घंटे चार घंटे चौदह घंटे आठ की स्पीड से एक सौ बारह किलोमीटर सत्रह किलोमीटर प्रति घंटा चार घंटे तो अड़सठ किलोमीटर एक सौ बारह और अड़सठ टोटल मिला के एक सौ अस्सी चौदह की स्पीड से चौदह घंटे में एक सौ बारह किलोमीटर तो आठ की स्पीड अब चार घंटे में अड़सठ किलोमीटर तो सत्रह की स्पीड टोटल मिलाकर के अठारह घंटे हो गए एक सौ अस्सी किलोमीटर दस की चाल हो गई सारे काम यहां पर सेट हो रही है इसमें गलती कहां करते हैं इस अनुपात में 180 दूरी को बांट देंगे 20 से गुणा करेंगे 20 सतह एक और 20 दूनी 40 ये गलत उत्तर है गलत यह नहीं करना यह रेशो दूरी का नहीं आएगा यह रेशो चाल का आएगा अनुपातिक योग सात अनुपात दो अब आठ की स्पीड से 140 तो पूरा नहीं आने वाला और सत्रह की स्पीड से 40 तो भी पूरा नहीं आने वाला है और फिर उनका जोड़ अठारह भी नहीं आने वाला है यह याद रखना यह सवाल जब मैं पढ़ता था तब मेरा भी बहुत ज्यादा टेंशन में था और ठीक होके ही नहीं देता था यह तो जब मैं पढ़ाने लग लिया तब बात समझ में आई थी जब तक मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया ना तब तक आई ही नहीं बात समझ में और किसी ने यह बात बताई भी नहीं बट रहा है डिस्टेंस और एलिगेशन लग रहा है स्पीड का और रेशो आएगा टाइम का जो ये लाइन याद नहीं रखेगा इस सवाल के ऊपर उसका सवाल हर हालत में गलत होगा अब इस पेपर को तुम जो है जैसे इन सवालों को पेपर में जाकर के वहां गलत करके सीखोगे या इसको टेस्ट देते हुए ठीक कर लोगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है अब ऐप पर काम करने वाला लोग ये नहीं कहेंगे सर आते हुए दस सवाल गलत हो गए और सिलेक्शन रुक गया तीन नंबर से ऐसा नहीं कहेगा कोई भी ये मेरी गारंटी है 1800 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे सो एवरेज स्पीड इज 90। जो कम चाल है वो है पचहत्तर जो ज्यादा चाल है वो है डेढ़ सौ बीच में लिखेंगे नब्बे यहां लिखेंगे पंद्रह यहां लिखेंगे साठ चार अनुपात एक अनुपात टाइम का आएगा अनुपातिक योग पांच पांच से भाग करेंगे बीस को पांच से भाग करेंगे चार चार चौक सोलह घंटे और चार एक चार घंटे सोलह घंटे पचहत्तर की स्पीड से पचहत्तर को दो से गुना करो गुना छोटी कैसे करें तो पचहत्तर को दो से गुना करो डेढ़ सौ फिर दो से गुना करो तीन सौ फिर दो से गुना करो बारह सौ सोलह से करना ना सोलह से दो से करेंगे डेढ़ सौ फिर दो से करेंगे तीन सौ फिर दो से करेंगे छह सौ और फिर दो से करेंगे चार बार दो दो आएगा बारह सो किलोमीटर डेढ़ सौ गुना चार करेंगे तो कोई ड्रामा ही नहीं छह सौ किलोमीटर टोटल मिला करके अठारह सौ किलोमीटर बारह सौ किलोमीटर पचहत्तर की स्पीड से तो सोलह घंटे और छह सौ किलोमीटर डेढ़ सौ की स्पीड से चार घंटे सोलह और चार टोटल बीस घंटे सारी बात सेट होती है बस अनुपात टाइम का आएगा एक बार बोल के दिखा दो अनुपात टाइम का आएगा बाकी सवाल फिट है आगे बढ़ेंगे छब्बीसवां सवाल सेम सवाल जैसे ही टाइम डिस्टेंस एलिगेशन दिख जाए अनुपात टाइम का आएगा कोई माइकल सवाल गलत नहीं करवा सकता है और जिसको ये बात याद नहीं रहेगी वो फंसेगा दस घंटे तो चाल आ गई पंद्रह एक तरफ बारह एक तरफ सत्रह यहां पंद्रह यहां तीन यहां दो अनुपातिक योग दो अनुपात तीन टाइम का अनुपात है चार और छह हो गया चार घंटे बारह की स्पीड से बारह चौक अड़तालीस और सत्रह छी एक सौ दो एक सौ दो और अड़तालीस टोटल डेढ़ सौ उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा यहां पर कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट पैदल अड़तालीस किलोमीटर उम्मीद करता हूं सबको सवाल आ रहा है अच्छे तरीके से सत्ताईसवा सवाल सेम क्वेश्चन फिर से वही नब्बे किलोमीटर नौ दस की स्पीड आ गई एक तरफ आठ एक तरफ सत्रह बीच में दस इधर दो इधर सात सात अनुपात दो अनुपात नौ नौ ही आ गया सात 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 तो आठ सतह छप्पन और सत्रह दुनी चौंतीस तो ये जो है पैदल छप्पन और साइकिल द्वारा चौंतीस कुल मिला के नब्बे उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा टोटल तो आज की क्लास में नहीं हो पाएगा पर टाइम एंड डिस्टेंस वाले सवालों के साथ क्लास पूरी करेंगे चलिए 500 किलोमीटर की 50 घंटे तो 500 किलोमीटर है बटे 50 करेंगे तो यहां पर आ गया 10 एक तरफ लिखूंगा मैं पंद्रह पांच दस जहाज पांच अनुपात पांच मतलब एक अनुपात एक पचास घंटे हैं तो यहां लेंगे पच्चीस घंटे यहां लेंगे पच्चीस घंटे पच्चीस गुना पांच होता है जी एक पच्चीस और पच्चीस गुना पंद्रह याद रखना चाहिए तीन सौ पचहत्तर टोटल मिलाएंगे तो 500 सौ सारी बातें सेट हो रही हैं पैदल तय की गई, गई दूरी पूछ रहा है पैदल पैदल 5 की स्पीड से एक किलोमीटर तय करेगा डी इज राइट आंसर कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताएं डाउट नहीं है तो आज की क्लास मेरी तरफ से पूरी है टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल होंगे ये कंप्लीट हो गए हैं घोड़े और मुर्गियां कल करवा दूंगा घोड़े और मुर्गियां या तुम कहोगे अभी करवा दो तो मैं अभी करवा दूंगा भाई ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन के लिए एक स्टूडेंट ने बोला मेरा फोन बंद हो चुका है बीस नंबर क्वेश्चन के लिए यह सवाल जो मुर्गियों वाले सवाल घोड़े और मुर्गियों वाले सवाल अगर ये सवाल तुम्हें करने हो तो यस 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 कर दो जब तक मैं तब तक बीस नंबर क्वेश्चन किसी एक लड़के ने बोला था बीस नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके बाद अगर तुम उसको कहोगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा नहीं तो कल फिर मैं उसको करवा दूंगा ये तो बहुत ही आसान सवाल था एक किलोग्राम एक हिस्सा आठ परसेंट दूसरा हिस्सा अठारह परसेंट और बीच में चौदह परसेंट जहाज उड़ाना है तो चौदह में से आठ गया आ आ गया गया और ये आ गया, तो ये तो छो अनुपात तीन है अनुपात योग पांच है पांच से एक हजार को भाग करेंगे दो सौ दो सो दुनी चार सो और दो सो तिया छ सौ छह सो, सो यह अठारह परसेंट वाला यही पूछ रखा है छह सो किलो डी इज राइट आंसर क्या डाउट था उस डाउट को अगर तुम बताओगे तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा भाई Yes, यस कह, कह, कह रहे हैं कल करवा देंगे फिर चलिए आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं ये क्वेश्चन जिसने पूछा था अगर समझ में आ गया हो तुम अगर यस कहना चाहो तो मुझे अच्छा लगेगा चलिए इसी उत्साह इसी उमंग इसी जोश के साथ कल फिर मिलते हैं ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी थैंक यू वेरी मच